सुबह देखें, आज जो है हमारी चारपाई कमरे के अंदर आ गई है। बिस्तर भी अभी नहीं उठाए गए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं सब चारपाई पे। मैं ये चाय बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बाहर भी जो है काम वाले आ चुके हैं, बाहर जो है हो रहा है काम। ये दरवाज़ा बंद करके यहाँ बैठे हुए हम, तो मैंने ये चढ़ानी है चाय। आयशा को कहूँगी कि चूल्हे पे जो है रख दे चाय ले जाके। मैं इसमें जो है ना चीनी और पत्ती डाल देती हूँ ताकि जो है ना नाश्ता तो करें सब। ये रात को आए थे छोलों के चावल, आप लोगों को पता है कि माशाल्लाह लंगर आ रहा था खूब ठीक ठाक। और ये एक जगह से आए थे पाए, पायों का भी कहीं लंगर हुआ होगा, ये हस्बैंड लेकर आए थे। तो ये सब रखा हुआ था, ये देखें ये। तो यहाँ बस मैंने बच्चों के लिए नाश्ता मैंने गर्म करके, आयशा ने बाहर गर्म किया तो मैंने यहाँ मंगवा लिया। ये कर रहे हैं नाश्ता यहाँ पे, और कशान भी बैठे हुए हैं यहाँ, आयशा भी बैठी हुई हैं। तो बस यहाँ हस्बैंड अभी आ जाते हैं तो ये नाश्ता करते हैं। छोलों के चावल है मेरे हाथ से, मैंने तो खैर खाने नहीं है, मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय बनवाई है। तो बस मैं चाय से जो है ना कुछ खा लूँगी और यहाँ ये लोग नाश्ता करेंगे अभी। और ये देखें, ये हमारा पूरा घर फैला हुआ है, ये देखें ये सारा सामान और ये पूरा घर। ये देखें हमारा फ्रिज जो होता है ये यहाँ पे रखा हुआ होता था, और ये यहाँ की जो हमारी चौकी थी वो टूट गई। मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये हमारी जो चौकी थी ये वाली चौकी टूट गई, तो इसीलिए ये यहाँ पे ये फर्श बनवा रहे हैं ऊंचा करके जो ये फ्रिज रखा जाए। और देखें ये पूरा किचन भी हमारा यहाँ से क्लियर हो गया, ये जगह सारी सीमेंट से बनी हुई है। देखें पूरा घर हमारे बर्तन और ये सब चीज़ें फैली हुई हैं, पूरा घर यानी के पूरा घर ये फैला हुआ है। कुछ भी यहाँ पे अभी संगवाया हुआ नहीं है, और मम्मा तो अंदर हैं इसीलिए मम्मा ने वीडियो नहीं बनाई, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करी। तो देखें पूरा ये हमारा भी ये माल ज़रा फैला हुआ है, ये माल बना हुआ है। और ये देखें ये जो नल है ये भी यहाँ पे टूट गया, ये देखें पूरा निकल गया, तो इसीलिए भी नल वल सब कुछ लगेगा यहाँ पे। और ये अभी अभी चाचू नीचे गए तो इसीलिए मैंने बोला चलो ये वीडियो जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि आज का शूट जो था वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अभी कर लूँ, क्योंकि अभी कोई भी नहीं था, प्लम्बर और मिस्त्री वगैरह सबको चले गए थे, तो इसीलिए तभी चाचू नीचे गए, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शूट करवाया। तो आप देखो, तो फिर आगे की जो रूटीन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ये कशाना भी नहा के आए नीचे से, क्योंकि यहाँ पे पानी बंद है, लेकिन जो है ना ये पता नहीं इनके आँख में क्या चला गया, अभी जो है निकाले काफी देर से, और लग रहा मुझे शायद शैजी ने काट लिया है, बहुत जोर से जो है ना चीख रहे थे ये कि कुछ चला गया आँख में, पूरी रेड हो गई आँख। तो ये हस्बैंड जो है ना इनकी आँख देख रहे थे कि पता नहीं क्या है, क्या निकला आँख के अंदर से, हाँ चूटी थी, हाँ जब भी तो इतनी बुरी तरह चीखे। और यहाँ खड़ी हुई है जैनब तैयार होके, ये देखें जी ऐसा इनकी जो है ना मम्मा ने मना किया है व्लॉग में आने से, हैं जैनब, जैनब मम्मा ने मना किया है, ये इनकी मम्मा ने जो है ना सख्ती से मना किया है। तो अभी जो है यहाँ पे चले गए हैं मिस्त्री बाहर, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा बाहर आ जाए, तो पूरा दिन हो गया है जो है ना कमरे के अंदर ही, और आज सुबह सुबह आ गए थे वो मिस्त्री। ये देखें घर का हाल अभी इतना ही है, संगवाने में लगा यानी सारा सामान निकालने में लगा है, और अब इतना ही टाइम जो है ना पूरा मुझे लग रहा है कि जो है ना संगवाने में लग जाएगा, घर का सारा काम जो है वो फैल चुका है। और ये मोबाइल भी छोड़ के चले गए वो और ये हमारे सुबह के बर्तन जो है वो भी ऐसे ही रखे हुए, कुछ भी नहीं धोया क्योंकि पानी बिल्कुल बंद है। और ये फ्रिज का देखने क्या हाल हुआ हुआ, इसको भी खैर अच्छी तरह साफ करेंगे। और ये चौकी जो है उन्होंने बनवाई, अच्छा आपने कहा था उन्होंने खुद ही बनवाई है, ये बोला बिलाग लेके आ जाओ तो ये हाँ। चौकी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका फ्रिज जो ना इसी के ऊपर ही रखा जाएगा। मैंने बोला चलो बिलाग लेके आ जाते हैं, नीचे रखे हुए थे तो हम बिलाग लेके आ गए नीचे से। अब ये कि ये जो है ना ये इधर से जो है ना बेसन का पानी यहाँ से भी रीस रहा था, और नीचे की छत जो है ना बहुत खराब हो रही थी, इसलिए जो है ना किचन अभी जो है ना यहाँ पे ही मेरे हाल से वो शायद कुछ लगाएंगे, सीमेंट लगेंगे यहाँ पे। और ये हमारा नल जो है ना कब से अभी आपको कशान ने भी दिखाया था बहुत टाइम से टूटा हुआ, लेकिन हमारे पास इससे भी नहीं हो पा रहे थे कि मैं जो है नल के लिए लगा लूँ। खैर अभी जो ये सारा काम जितना भी ये सब हमारा नहीं है, ये सब जो है ना देवर करवा रहे, क्योंकि उन लोगों की नीचे से जो छत पकड़ी होती है। खैर अभी आगे की जो रूटीन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैंने कहा चले आज व्लॉग कुछ भी नहीं बन पा रहा, हम भी सुबह से जो है ना कमरे में कैद हुए हैं, और यहाँ तक कि पीने के लिए पानी भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी देख ले हमारे घर का हाल, वो मैं आप लोगों को पहले दिखा चुकी हूँ। तो ब्लॉग भी यहाँ पे इसीलिए जो है ना देर से स्टार्ट किया क्योंकि पूरा घर जो है फैला हुआ है, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। अब मैं थोड़ा उठी हूँ, शाम का टाइम होने वाला है यहाँ पे। और इसके अलावा जो है उन्होंने जो है ना 3 दिन से कहा हुआ था कि आ जाएंगे कल आएंगे, आ जाएंगे कल आएंगे, लेकिन जो है ना वो आए नहीं थे।
तो आज वो आए हैं तो यहाँ पे जो है काम स्टार्ट हुआ है, अब वो करवा रहे हैं। अब देखे उन लोगों के घर में नीचे पानी टपकता है या नहीं टपकता, लेकिन जो है ना हमारी कमबख्ती उतर चुकी है यहाँ पे, क्योंकि सारा जो है ना हमने देखना संभालना करना, तो सब यहाँ पे जो है काम हो रहा है। और 3 दिन से ये हो रहा था कि आ जाएंगे और कल आएंगे, आ जाएंगे कल आएंगे। पहले ही मैंने आप लोगों को दिखाया था ब्लॉग में कि वो कह रहे थे शाम तक आ जाएंगे, लेकिन वो आए नहीं थे। खैर अब यहाँ पे हो चुका है काम और खाना वगैरह कुछ भी नहीं बन पा रहा है। टाइम देख लें आप लोग कितना हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है यहाँ पे। और हमारा भी हाल देख लें। खैर कशांत तो जो है ना यहाँ नहा लिए, उन्होंने कहा मम्मा मैंने तो नहाना है, वो उन्होंने जो है ना बाल्टी भरी, क्योंकि पानी जो है ना यहाँ बंद किया हुआ है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। अभी हस्बैंड को मैंने यही कहा मैंने कहा कुछ खाने के लिए लेकर आ जाए, देख लेते कुछ कि सालन वगैरह रखा है फ्रिज में नहीं, वो देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है भूख लग रही है। भूख कह रही हूँ मैं, कुछ जो है चकरा के रह गई हूँ। एक तो मुझे घर की इतनी टेंशन हो रही है, मैंने कहा सारा घर फैल गया, सारा घर संगवाना, और लेकिन कह रहे जब तबीयत ठीक ना होना तो वैसे दिन नहीं जाता। खैर मैंने अभी गोली वगैरह खा ली थी तो ये कि तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई, वरना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और रात को भी जो है ना बस तबीयत ठीक रही थी, पूरी रात हो गई थी। तो बस यहाँ पे जो है ना ये चल ही रहा है काम, अभी देखते हैं क्या पकाना है, क्या खाना है, क्या करना है। पूरा दिन ऐसे ही हो गया और हमें जो है ना कमरे के अंदर बंद कर दिया, और ऊपर से पानी भी नहीं है। सबसे बड़ी बात कि कमरे में पानी भी नहीं और पीने कमरे में पानी नहीं सॉरी घर के अंदर पानी नहीं है, और ऊपर से जो है ना हमें कमरे में कैद कर दिया बिल्कुल, और यहाँ पे पानी पीने के लिए भी जो है ना बस जो फ्रिज में है वही है, क्योंकि उन्होंने जो है वाल बंद कर दिया। अच्छा यहाँ जो है काम करके वो चले गए हैं, अभी काफ़ी देर हो गई है, अभी उन लोगों को गए हुए, लेकिन घर में काम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि सब फैला हुआ है, और यहाँ भी जो है ये सब गीला हो रहा है, तो इसलिए जो है ना कोई भी काम नहीं हो सकता। और ये भी जो है पूरा यहाँ से देखें ये बन गई है चौकी, ये भी जो है ना पूरी गीली हो रही है अभी, और वाल वगैरह उन्होंने पानी का नहीं खोला है, क्योंकि पानी मना कर रहे हैं कि पानी अभी इस्तेमाल नहीं करना है। और घर में जो है पूरा सब फैला हुआ है, देखें ये सब फैला हुआ है यहाँ पे, और जितनी भी बोतलें वगैरह थी पानी की मैंने अब देखा है, मैं अब बाहर निकली हूँ तो यहाँ पे जो है सारी बोतलें वगैरह फ्रिज की सब खाली हो चुकी है। मैंने फ्रिज खोला, मैंने कहा चले पानी के लिए फ्रिज, तो सिर्फ एक बोतल रखी है। खैर अभी यहाँ हस्बैंड गए रोटी लेने के लिए, क्योंकि सुबह से किसी ने भी कुछ नहीं खाया हुआ है, तो बस अभी यहाँ खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद जो है काम तो वैसे भी कोई नहीं कर सकता। अभी खैर पानी के लिए बोतलें तो भरनी है, क्योंकि पानी चाहिए पीने के लिए। यहाँ मैंने रख दिया है सालन गर्म होने के लिए चूल्हे पे, मैंने कहा चले सालन गर्म हो जाएगा फिर खाना खाएंगे, और भूख जो है ना बहुत ज़्यादा लग रही है। पीने के लिए पानी नहीं, अगर नल खोलेंगे तो वही है कि फिर जो है ना दोबारा से गीला होना शुरू हो जाएगा सारे में। तो उन्होंने सख्ती से मना किया कि नल अभी नहीं खोला, मुझे लग रहा है सुबह तक ही जो है ना ये सूखेगा, तो फिर सुबह ही करेंगे काम, या तो अभी जो है बोतलें कहीं से भरवानी पड़ेंगी, वरना फिर देखते हैं क्या करते हैं। और घर इतना कोई गंदा हो रहा है ना, आज भी पूरा दिन हो गया और कल भी, मुझे लग रहा है कि कल का दिन भी जो है ना हमारा ऐसे ही गुजरेगा पूरा दिन घर संगवाने में। और अभी जो है ना हल्की हल्की यहाँ बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, खैर शुक्र है अल्लाह का कि बारिश जो है ना रुक गई है। फिर तो बस यही चाहती हूँ मैं आप सबसे ज़्यादा, उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इसी के साथ में मुझे इजाज़त, मिलते हैं कल किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा।